Hello students, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, देखिए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का हमने जो लेसन नंबर 1.2 डिक विंटिंगटन एंड हिज कैट ये लेसन पढ़ा है ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड इट सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज फॉर दिस लेसन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस इन हिंदी विथ फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विथ मी प्रोफेसर नीता फूलचंद गायकवाड सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पे देखिएगा द क्वेश्चन नंबर 1A अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि जो ए बी सी डी है Z तक या फिर Z तक ओके सो उनका जो ये है ऑर्डर है सीक्वेंस है एज पर दैट जितने भी वर्ड्स हैं आपको उसी तरह से लगवाने हैं सो लुक एट हियर दीज आर सम वर्ड्स शीप स्मॉल सक्सेसफुल स्कोल्डिंग्स स्टोन सेविंग समवन स्टूड स्ट्रीट स्टील स्क्रीम सैट सीम सेंट एंड शेयर दीज आर द वर्ड्स सो लेट्स चेक द आंसर दिस इज द आंसर ओके लुक एट हियर आपको लगेगा ये सेंट वर्ड पहले क्यों आया सो लेट मी एक्सप्लेन कि एस सभी जगह पे तो यस है राइट एस एस ऑल द वर्ड आर स्टार्टिंग विद द एस ओके एंड हियर इट इज द एस यस यहाँ पे भी आया लेकिन एस के आगे क्या है यहाँ पे ए आया है एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए सबसे पहले आता है सो ए आ गया यहाँ पे भी एस ए है यहाँ पे भी एस ए है तो इसको फाइंड आउट कैसे करें लुक एट हियर ये के बाद क्या आ गया यहाँ पे आई ठीक है ए के बाद क्या आ गया आई इसलिए ये फर्स्ट आ गया लेटर उसके बाद टी आ गया इसलिए ये सेकेंड लेटर हो गया आपका और वी आ गया एज पर द अल्फाबेटिकल जो वी आपके अल्फाबेट्स है एज पर दैट द फर्स्ट वन इज सेंट ओके देन सेकेंड इज सैट एंड द थर्ड इज सेविंग आपको समझ में आ गया कैसे ट्रिक है और कैसे ढूंढ के निकालना और लिखना है सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं द वर्ड नंबर 4 यहाँ पे भी एस सी है यहाँ पे भी एस सी है ठीक है सो इसमें अब डिफरेंस क्या है ओ पहले आता है ओके इसलिए हमने स्कोल्डिंग ये वर्ड ले लिया देन आर आता है इसलिए स्क्रीम ले लिया सो दिस इज द नंबर 4 वर्ड एंड दिस इज द नंबर 5 वर्ड लेट चेक व्हाट इज नंबर 6 यहाँ पे भी देखिए एस डबल ई आ गया ठीक है सो ये आपका हो गया नंबर 6 ए ए सी एंड वी एस ई से आ गया आपका सेम्ड अभी देखिए शेयर शॉप ठीक है यहाँ पे भी एस एच है यहाँ पे भी एस एच है लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे एच के बाद क्या आ गया ए सो इट कम्स फर्स्ट एंड देन ओ सो शॉप बाद में आएगा सो 1 2 3 4 5 6 नंबर का सेम 7 नंबर आपका आएगा शेयर नंबर 8 शॉप लेट चेक नंबर 9 स्मॉल एस एम ए डबल एल स्मॉल आ गया ठीक है नंबर 10 जो है आपका वर्ड समवन ओके एम के बाद क्या आ जाता है ओ सो समवन आ गया देन ओ के बाद क्या आता है पी क्यू आर एस टी आता है तो देन स्टिल ओके अभी यहाँ पे भी देखिए टी के बाद आई आ गया इसलिए ये स्टिल पहले आ गया और बाद में स्टोन आ गया ओके और इसके बाद आ गया स्टूड तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये स्टोन है तो आप बोलोगे यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी ओ है सो उसके आगे का जो लेटर है वो आपको ढूंढना है ओ के आगे पहले यहाँ पे क्या आ गया एन आ गया सो ओ के पहले क्या आ जाता है एन आ जाता है और यहाँ पे ये ओ सो इसके लिए स्टील के बाद ये स्टोन और देन स्टूड ओके अभी ये नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रीट एस टी आर ओके सो स्ट्रीट ये वर्ड आ गया यहाँ पे एंड अभी यहाँ पे आ गया है लास्ट वाला अपना यू एस के बाद आ गया यू सो दिस इज सक्सेसफुल दिस इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज पर दैट हमने यहाँ पे ये लिख लिए हैं नोटबुक में अच्छी तरह से नंबर देके नोट डाउन करो और कैसे ढूंढना है मैंने आपको बता दिया है ठीक है लेट चेक क्वेश्चन नंबर 1B रिमूव रिमूव यानी क्या कि निकालना रिमूव द अफिक्सेस अफिक्सेस यानी जो वर्ड शुरुआत में और बाद में आते हैं प्रेफिक्स यानी क्या पहले ओके प्रेफिक्स यानी स्टार्ट में जो आते हैं ठीक है जो वर्ड आपका होता है शुरू उसके स्टार्ट में जो आते हैं ठीक है एंड ये जो सफिक्स है सफिक्स यानी एंड ओके
ये एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं समझाती हूँ आपको। प्रेफिक्स यानी स्टार्ट में शब्द के किसी भी, और सफिक्स यानी एंड में। ओके सो चलिए, सो इसको क्या बोला है आपको, एंड राइट द रूट वर्ड। रूट वर्ड यानी मूल शब्द। ओके सो आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे अभी। नंबर वन, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया है, सक्सेसफुल। ओके तो सक्सेस तो हमको पता है यानी कि जीत, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये F U L, तो ये एंड में आ गया इसलिए क्या हो गया ये आपका सफिक्स। एंड नाउ द वर्ड इज सक्सेस। नंबर टू, इमीडिएटली। ओके अभी हमको पता है कि इमीडिएटली में इमीडिएट यानी क्या, तुरंत, तो उसके बाद क्या आ गया L Y, सो ये आपका क्या हो गया सफिक्स। रिट्रेस, ओके ट्रेस यानी ढूंढना, सो ट्रेस से पहले क्या आ गया री, सो ये आपका क्या हो गया प्रफिक्स। माउसर, ओके माउसर, माउस यानी चूहा, और माउसर यानी कि चूहे ढूंढने वाला, चूहों की शिकार करने वाला, तो इसमें क्या आ गया यहाँ पे आर, सो आर इज योर सफिक्स। अनफ्रेंडली, ओके यहाँ पे देखिए फ्रेंड इज द रूट वर्ड, सो यहाँ पे सफिक्स भी आ गया प्रफिक्स। प्रफिक्स क्या आ गया यहाँ पे, यू एन, दिस इज द प्रफिक्स जो वर्ड से पहले आता है, एंड एल वाई, दिस इज द सफिक्स जो वर्ड के बाद में आता है। ओके फॉलन, फॉल यानी क्या, गिरना। ओके फॉल यानी गिरना, तो यहाँ पे क्या आ गया ई एन, सो ई एन इज द सफिक्स इन दिस वर्ड, सो रूट वर्ड इज फॉल। नेक्स्ट अनकाइंड, ओके काइंड यानी दयालु, सो काइंड के पहले क्या आ गया अन, अनकाइंड यानी कि निर्दयी, जो दयालु नहीं होता, सो अन क्या हो गया आपका प्रफिक्स हो गया। वुडन, वुड यानी लकड़ी, लेकिन यहाँ पे देखिए वुड यानी लकड़ी, एंड में क्या आ गया ई एन, सो दिस इज योर सफिक्स। लकीली, लकीली, लक यानी नसीब। ओके अभी लकीली आई एल वाई, ये आपका सफिक्स आ गया यहाँ पे, तो रूट वर्ड इज लक। बिलोंग यानी से, किस जिससे वो जुड़ा है वो, ठीक है, सो बिलोंग के आगे क्या आ गया यहाँ पे आई एन जी, दिस इज द सफिक्स, सो व्हाट इज योर रूट वर्ड इज बिलोंग। दिस आर ऑल योर रूट वर्ड्स, दिस आर द आंसर्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज प्रफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स, आई होप यू विल गेट इट। ओके सो लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 2A। फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में डिक विंटिंगटन एंड हिज कैट, ये जो स्टोरी मैंने ऑलरेडी पढ़ा के अपलोड कर दी, एक बार ध्यान से सुनिएगा जरूर, तो आपको सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो स्लोपिंग रूफ, सो इसका आंसर क्या है, एटिक यानी अटारी। अ वेरी नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग्स के बीच में जो पैसेज होता है, अली, ओके अली यानी कि गली। द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द म्युनिसिपालिटी ऑफ अ सिटी टाउन, तो उसको क्या कहते हैं, मेयर यानी महापौर। डी, द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हु कमांड शिप, शिप पर जो हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैप्टन। ई, एनी एनिमल दैट कैचेस माइस, जो चूहों की शिकार करने वाला कोई भी एनिमल कौन से कैटेगरी में आता है, माउसर में आता है, यानी कि चूहे की शिकार करने वाला। F, और लो कॉन्स्टेंट साउंड मेड बाय कैट्स, कैट द्वारा जो धीरे धीरे साउंड किया जाता है वो पुर, जो आपके पर आपको इसमें टेक्स्ट बुक में आया है। ओके लेट चेक क्वेश्चन नंबर 2B। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का अर्थ क्या है कि आपका आप जो भी एक्सप्रेशन देते हो, दुखी होना, भावना, ओके इसको हम क्या बोलते हैं, भावना। सो ओवरकम यानी किस ऊपर निकल आना, सो आंसर क्या देखिए, इससे हमने एक सेंटेंस लिखा है, वी मस्ट लर्न टू ओवरकम एनी डिफिकल्टीज वी कम अक्रॉस, हमें हर मुसीबत से ऊपर आने का, ऊपर आने कैसे, ऊपर आना है ये सीखना चाहिए, वी मस्ट लर्न, हमें जरूर सीखना चाहिए कि हर मुसीबत से कैसे ऊपर आना है। ओके लेट चेक टू, पुट अप विथ, ओके पुट अप विथ, अभी इसका आंसर देखते हैं, वी हैव टू पुट अप विथ द नॉइजी बिहेवियर ऑफ आवर नेबर सन, पुट अप विथ यानी एक्शन लेना, ठीक है एक्शन लेना, हमको हमारे पड़ोसी के जो नॉइजी यानी कि जो बहुत ही शोर करने वाला बच्चा है उस पर कुछ तो एक्शन लेनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, बार्गेन, बार्गेन तो आप सबको पता है, माल बार्गेन का मतलब तो सबको पता है यानी कि चीजों का मोल भाव करना, ठीक है, इसका भी आंसर देख लेते हैं। पीपल इन इंडिया लव टू बार्गेन विद हॉकर्स, हॉकर्स यानी कि जो फेरी वाले रहते हैं ना बाहर, जो ठेला ठेले पे रहते हैं लोग, सब्जी वाले हो या फिर कुछ और सामान लेकर जो घूमते हैं उनको हॉकर्स बोलते हैं, उनके साथ बार्गेन करने में इंडिया के लोगों को
मजा आता है, बार्गेन करना यानी क्या कि मोल भाव करना। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 3। रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज दे अक्योर इन द स्टोरी, पुट द करेक्ट नंबर इन द बिलो ब्रैकेट। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसमें आपको करेक्ट नंबर डालना है। पहले हम सारे सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ए, मिस्टर फिट्ज़वर्न प्रोवाइडेड शेल्टर टू डिक, फिट्ज़वर्न ने शेल्टर को आसरा दिया। बी, अ कार्टर गेव डिक अ लिफ्ट टू लंडन, और जो कार्टर था उसने डिक को लंदन जाने के लिए लिफ्ट दी, कार्टर यानी जो टांगे वाला था। सी, अ कैट सेल टू द अफ्रीकन कोस्ट, और जो बिल्ली थी वो अफ्रीकन कोस्ट पर सेल यानी कि नाव के थ्रू चली गई। डी, द कैप्टन सोल्ड द कैट फॉर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी, और कैप्टन ने बहुत बड़ी अमाउंट पर अपनी जहाज को बेच दिया। ई, डिक लेफ्ट हिज विलेज ऑन फुट टू गो टू लंडन, और डिक विंटिंगटन ने गांव अपना गांव छोड़ा लंदन जाने के लिए। एफ, डिक बिकेम रिच एंड लेटर द मेयर ऑफ लंदन, डिक पहले बहुत ही अमीर बन गया और उसके बाद में वो मेयर बन गया लंदन का। जी, डिक वॉज होमलेस हेल्पलेस कोल्ड एंड हंग्री, डिक जो था वो बेघर था, बेचारा था, मजबूर था और ठंड के मारे उसका बुरा हाल था और भूख लगी थी उसको। एच, डिक बॉट अ कैट टू गेट रीड ऑफ द माइस, टू गेट रीड यानी कि किसी चीज से छुटकारा पाना, तो डिक ने चूहों से छुटकारा पाने के लिए कैट ली थी। आई, द रैट्स एंड माइस एट अप ऑल द डिनर लेड फॉर द किंग एंड क्वीन, रैट्स यानी कि चूहे, माइस यानी छोटे चूहे, रैट्स यानी बड़े चूहे। ठीक है, सो छोटे बड़े सभी चूहों ने क्या किया, पूरा खाना खा लिया जो किंग एंड क्वीन के लिए रखा था। सो ये जो सारे सेंटेंसेस है आपके टेक्स्ट बुक में इसके नंबर देखेंगे हम। सो नंबर 1 में कौन सा सेंटेंस आता है आपका, ई है आपका 1। ठीक है, सीक्वेंस इसका फर्स्ट है क्योंकि पहले उसने गांव छोड़ा लंदन के लिए। देन द सेकेंड आपका जो सेंटेंस रहेगा, कार्टर, उसके बाद वो घोड़ा गाड़ी वाले ने उसको लिफ्ट दी लंदन तक आने के लिए। नंबर 3 जो है आपका जी इज द नंबर 3 कि वो भूखा प्यासा और बेचारा था। नंबर 4, नंबर 4 इज मिस्टर फिट्ज़वर्न ने उसको रहने के लिए आसरा दिया। नंबर 5 के लिए आ गया आपका सेंटेंस नंबर एच, डिक बॉट अ कैट टू गेट रीड ऑफ द माइस, उसने कैट ली चूहों से छुटकारा पाने के लिए। देन नंबर 6 इज कैट जो थी वो अफ्रीकन कोस्ट गई, सी जो आपका है नंबर 6। उसके बाद नंबर 7 में आ गया आपका द रैट्स एंड माइस एट अप ऑल द डिनर एंड लेट फॉर द किंग एंड क्वीन, चूहों ने सब खाना खा लिया था। उसके बाद है नंबर 8, द कैप्टन सोल्ड द कैट फॉर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी, कैप्टन ने बिल्ली को बहुत बड़ी अमाउंट पर बेच दिया। एंड द 9 नंबर, डिक बिकेम रिच एंड लेटर द मेयर ऑफ लंदन, डिक बाद में बहुत ही अमीर और लंदन के मेयर बन गए। दीज आर द सीक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4, थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। ए, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज्ड हिज फॉर्चून, ऐसा कौन सा डिसीजन था, ऐसा कौन सा उन्होंने एक फाइनल डिसीजन लिया था कि उससे उनका फॉर्चून, उनका नसीब बदल गया। आंसर जो आपके टेक्स्ट बुक में है, ऑन हियरिंग द चर्च बेल सेंट आउट अ मैसेज टू हिम, चर्च बेल के जो एक मैसेज उन्होंने सुना था, डिक डिसाइडेड टू रिट्रेस हिज स्टेप्स, उन्होंने सोचा कि वापस घर चले जाए एंड गो बैक टू मिस्टर फिट्ज़वर्न्स हाउस इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने से अच्छा है कि वो फिट्ज़वर्न के घर पे ही रहे। दिस डिसीजन चेंजेस फॉर्चून, और इस डिसीजन ने उनका नसीब बदल दिया। उसमें है बी, व्हाट मैसेज डज दिस स्टोरी ब्रिंग आउट फॉर यंगस्टर्स, नौजवान यानी कि जो भी यंगस्टर्स हैं, जो जवान बच्चे हैं, तो उनके लिए इस स्टोरी से क्या मैसेज आता है। द आंसर इज द मैसेज दैट दिस स्टोरी ब्रिंग्स आउट फॉर यंगस्टर्स इज दैट We must not run away from difficulties, but face them bravely. हमें मुश्किलों से भागना नहीं है, तो उनका सामना हमें बहुत ही bravely करना है। Okay? जो आपका बाद में का question number 4 है, okay? ये actually गलती से आ गया। Let's उसको आप ध्यान मत दो। Question number 5A, break the words below into syllables as shown in the first one. Syllables यानी के word को आपको फोड़ना है, ठीक है? The number A, belonging जो word बना है, B, long और ing, इससे belonging ये word बना है। Anything का देखिए, anything का an, y and thing। उसके बाद unfriendly का है, un prefix, friend root word, ly suffix। डिफिकल्टी में डी आई डबल एफ आई
CUL एंड TY. कैप्टन में है कैप और टेन. मॉर्निंग में है मॉर और निंग. सिटीजन में है CITIZEN. ये थ्री वर्ड्स का मिलके लेटर्स का मिलके ये पूरा वर्ड बना है. मैसेज में है मेस एज. मेयर में है मा यर. लेक्टर में है ई लेक और टीईडी. इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं. दीज आर ऑल द सिलेबस. ओके क्वेश्चन नंबर 5B. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव यानी जो क्रिया विशेषण होता है तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमको पढ़ना है. रीड द सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस यतीन इज स्ट्रांग. यतीन बहुत ही स्ट्रांग है. अमित इज स्ट्रांगर देन यतीन. अमित यतीन से बहुत ही स्ट्रांगर है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है. प्रवीण इज द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल. प्रवीण सबसे ज्यादा बलशाली है. यहाँ पे देखिए स्ट्रांग स्ट्रांगर और स्ट्रांगेस्ट. सो पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दीज आर द थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस. इन सेंटेंसेस द एडजेक्टिव स्ट्रांग इज इन इट्स सिंपल फॉर्म. स्ट्रांग जो है वो सिंपल फॉर्म में है और इसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिव डिग्री. जो सिंपल फॉर्म में रहता है वर्ड उसको आप क्या कहेंगे पॉजिटिव डिग्री. सो दिस इज द पॉजिटिव डिग्री. ओके इन सेंटेंस टू यहाँ पे देखिए द एडजेक्टिव स्ट्रांगर refers to a higher degree when there is a comparison of two nouns. यहाँ पे अमित और यतीन में comparison है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे comparative degree. Okay, जब comparison होता है तो उसको क्या कहते हैं हम comparative degree कहते हैं. er is added to the basic adjective. जब basic adjective को er attach हो जाता है जुड़ जाता है suffix तो वो हो जाता है आपका comparative यानी comparison दो चीजों में. Then number 3 यहाँ पे देखिए the adjective strongest. okay strong के आगे क्या आ गया est. this is the suffix refers to the highest degree of comparison of one with more than two nouns. it is called superlative degree. comparative degree में दो नाम हो या फिर दो चीजों में comparison होता है लेकिन superlative degree आपको ध्यान में रखनी है कि superlative degree में superior दिखाया जाता है. यहाँ पे प्रवीण सबसे superior दिखाया सबसे strongest. ओके सबसे स्ट्रांगेस्ट वो है स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल. ऑफ ऑल यानी कि सबसे वो स्ट्रांग है तो इसको हम क्या कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री. ध्यान में रखिएगा सिंपल फॉर्म में जो होती है पॉजिटिव डिग्री. देन जो कंपैरिजन दो चीजों में या फिर दो नाउन्स में दो प्रोनाउंस में होता है या फिर दो वर्ब्स में होता है या फिर दो प्लेसेस में होता है इसको हम क्या कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री. और जब यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री कब आ जाती है जिसको सुपीरियर दिखाया जाता है सभी से. ओके कोई एक पर्सन होता है कोई एक चीज सभी चीजों से सुपीरियर होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं सुपरलेटिव. और सिंपल स्टेप है कि ईएसटी आ जाता है तो सुपरलेटिव ईआर आता है तो कंपैरेटिव और कुछ भी नहीं तो वो पॉजिटिव. ध्यान में रखिएगा मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया है. अभी हमको कंप्लीट द टेबल ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये करना है. पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में वर्ड वैसे की वैसा ग्रेट यहाँ पे ईआर आ जाएगा सो इट बिकम्स ग्रेटर और ईएसटी आने के बाद ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट. फेमस अभी देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ठीक है फेमस और फेमस ऐसे नहीं बोल सकते हम. फेमस जो वर्ड है रूट वर्ड वो वैसा ही रह जाता है सिर्फ उसके आगे क्या आ जाता है मोर. कंपैरेटिव में क्या आ जाता है मोर और सुपरलेटिव में क्या आ जाता है मोस्ट. ओके सो मोर फेमस कंपैरेटिव हो गया और मोस्ट फेमस सुपरलेटिव फॉर्म. इजी का देखिए इजी के आगे वाई निकल गया और आई ई आर आ गया सो इट बिकम कंपैरेटिव डिग्री और आई ई एस टी आ गया सो इट्स बिकम द सुपरलेटिव डिग्री. बैड का आ गया बैड कुछ ऐसे वर्ड्स है कि जिनका पूरा ही फॉर्म बदल जाता है इट मीन्स बैड का क्या हो गया कंपैरेटिव वर्स और डब्ल्यू आर एस टी वर्स इट बिकम्स सुपरलेटिव फॉर्म. पुअर का आ जाता है पुअरर ई आर एंड पुअरेस्ट ई एस टी. सो दिस इज द कंपैरेटिव फॉर्म दिस इज द सुपरलेटिव फॉर्म. लेजी में आई ई आर वाई निकल जाता है. एक चीज ध्यान में रखिएगा जब भी कोई वर्ड आ जाता है जिसमें एंड में वाई हो फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे इजी है यहाँ पर लेजी है और यहाँ पर क्या है वर्थी है. ओके वर्थ वर्थी ओके इजी वाई निकल गया वाई निकल जाने के बाद क्या आ जाता है आई आ जाता है ये ध्यान में रखिएगा सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों में. और उसके बाद फिर ईआर और ईएसटी का फॉर्म जुड़ जाता है. बैड वर्स वर्स्ट पुअर पुअरर पुअरेस्ट. लेजी का देखिए आई जुड़ गया वाई जाने के बाद आगे आ गया ईआर लेजी और यहाँ पे भी आई जुड़ गया और नेक्स्ट क्या आ गया ईएसटी. सो दिस इज द सुपरलेटिव फॉर्म लेजीएस्ट. लिटिल का आ गया लेस और
लिस्ट, ठीक है। वर्ती का आ गया वर्तायर, वर्तियर, आई आ गया यहाँ पे वाई निकल जाने के बाद और आगे आ गया ईआर, वर्तियर यानी कंपैरेटिव और वर्तियस्ट यानी कि आई आ गया यहाँ पे वाई निकल जाने के बाद आगे आ गया ईएसटी, दिस इज द सुपरलेटिव फॉर्म। पॉपुलर देखिए, जैसे कि फेमस में मोर फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस है, उसी तरह से पॉपुलर और पॉपुलरेस्ट ऐसा नहीं बोलते हम। पॉपुलर का क्या हो जाएगा, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। सो दीज ऑल आर द पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आए, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको खुद एक्टिविटी करनी है। सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी, कोई भी एक फेमस पर्सनैलिटी ढूंढो, मेंशन इन वार्मिंग अप वन ऑन पेज नंबर 5। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे जो पर्सनैलिटीज के नाम दिए हैं उनमें से कोई भी एक पर्सनैलिटी आपको चुनना है, और उसके बाद फ्रॉम द लाइब्रेरी और इंटरनेट, ऑनलाइन जाइए, इंटरनेट गूगल पे सर्च कीजिए या फिर आपके लाइब्रेरी में, अभी लाइब्रेरी तो आप नहीं जा सकते, ठीक है, तो आप गूगल पे चेक करो देयर सक्सेस स्टोरी, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इन अबाउट 20 to 30 lines, और आप खुद उसको 20 to 30 lines में आपके खुद के वर्ड्स में उनको, आपको नोटबुक में उनके बारे में उनकी सक्सेस स्टोरी लिखनी है, और गिव योर राइट अप और सुटेबल टाइटल, और जो कुछ भी आप लिखने वाले हो राइट अप यानी जो कुछ भी आप लिखने वाले हो उनकी सक्सेस स्टोरी, उसको आपको सुटेबल टाइटल देना है, ठीक है। सो दिस इज योर एक्टिविटी, ये आपको खुद करना है और आपके टीचर्स को दिखाना है। सो स्टूडेंट, चलिए आज हमने पढ़ा लेसन नंबर 1.2 डिक विंटिंगटन एंड हिज कैट, क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का क्वेश्चन एंड आंसर पोर्शन। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।